चार प्रकार के वचन के सुनने वाले होते हैं। पहला, जो अपनी अपनी धुन में सवार लोग, अपनी मौज मस्ती में लगे हुए लोग, जिनको फर्क नहीं पड़ता, सुनते तो हैं वचन लेकिन बदलते नहीं। दूसरा, ऐसे लोग जो बहुत उत्तेजना के साथ कलीसिया में आते हैं लेकिन गलत समझ के साथ और गलत उद्देश्यों के साथ और गलत अपेक्षाओं के साथ चर्च में आते हैं कि यीशु केवल हमें एक खुशहाल जीवन जीने के लिए, वो हमारा परमेश्वर है। जबकि यीशु हमें खुशहाल जीवन दे सकता है और देता है, लेकिन केवल खुशहाल जीवन देने के लिए वो नहीं बना मसीह। वो हमें उद्धार देने के लिए और हमें पवित्र बनाने के लिए वो मसीह है। तीसरे प्रकार के लोग हमने देखे हैं वो हैं जो अपनी चिंताओं में पड़कर अपना समय व्यतीत करने वाले, और दूसरा वो जो अमीर होने की इच्छा रखने वाले लोग, और चौथे आत्मिक प्यास के साथ परमेश्वर की खोज करने वाले लोग। चार प्रकार के लोग हैं। आप किस प्रकार के हैं? आपका दिल किस कैटेगरी में आता है? किस श्रेणी में आप अपने आप को रखेंगे? क्या आपका दिल परमेश्वर के वचनों के लिए भूखा है? क्या आप जब वचन को सुनते हैं भूख और प्यास के साथ आप वचन को ग्रहण करते हैं?